फरवरी सिलेक्शन जाले 8 to 14 इज द पॉइंट आणि थंय आम्ही आता हांगा बुधवार आयला. कॉम्पिटिशन खरेंच टफ दिसता आणि ऑर्गनायझेशन खूब बरें आसा, कॉलेज बरो आसा आणि हांगा आयल्ल्या बद्दल आम्ही एक्चुअली सम्राट क्लब फरवरीचे खूब आभारी आसा की ताणी ऑर्गनायझेशन कॉम्पिटिशन घडोवन हाडून आमकां हांगा सोयरी केल्या. आनी स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा सुरेश जाणवकर एका ताणें कॉम्पिटिशन भरपा खातीर खुबसो क्लास घेतिल्लो. आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार बरें दिसपाची खुबशे 2-3 स्टेटींतले भुरगे हांगासर आयिल्ले आसा. सगळे टफ आसा, ऑर्गनायझेशन बरें आसा. जो मेरा गोवा से हरिद्वार का सफ़र है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि हमारा जो मैनेजर होगा, जो हमारे ऑनर सुरेश यादव होगा, उन्होंने ऐसा स्टेट चैम्पियनशिप गोवा में कराया था. तो उस टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट आया था. 31 कंटेस्टेंट हमने गोवा से एटलीस्ट पर हरिद्वार में जो गोवा रिप्रेजेंट कर रहा था. सो बहुत अच्छा मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है. और मैं 2 साल से गोवा में लीड कर रहा हूँ इंडियन ऑफ में एज ए कोरियोग्राफर. और मुझे ऊपर सीनियर जैसे सेलिब्रिटीज काम कर चुके हैं, मैं उनको फॉलो करके निकल को आगे लेके आया हूँ. और आज जो कि फाइनल है नेशनल का, सो गाइस तो आप डांस स्पोर्ट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? और इतना अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म बना के रखा सभी के लिए, और आप क्या उनको बोलना चाहते हो? और अपने गोवा को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या गोल्ड लेके जाओगे इस बार? देखिए एज ए आर्टिस्ट मतलब आज का दिन यहाँ आर्टिस्ट के लिए कैसा है वैसे परफॉर्म जो है उनके डिपेंड करता है. लेकिन मेरे तरह से एज अ बेस्ट विशेज ऑल द कंट्री जितने ऑल ओवर इंडिया से आए, जो गोवा से आए जितने भी हैं, और जो कि एज ए नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट जैसे नेशनल कॉम्पिटिशन वगैरह जो आज के लेवल पर करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम में एज ए खुद का एक इंडस्ट्री टैलेंट का एक क्रेज होना, इंडस्ट्री होना, वो एक नेशनल तरीके से जाता है. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को, एक क्रेज का. सो अच्छा है. ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम.